हेल्प दोस्तों, में आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करती हूं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके कॉलेज डेट के स्टार्टिंग डेट के संबंध में। किसी किसी स्टेट में रख दिया गया है कि मेडिकल और डेंटल कॉलेज 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। ये जो है MCI के रूल बुक में दिया गया था और जब काउंसलिंग स्टार्ट हुआ तब उनके रूल बुक में दिया गया था 1 अगस्त से मेडिकल और डेंटल कॉलेज वे स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोगों को जिनका भी काउंसलिंग में या स्टेट काउंसलिंग में एडमिशन मिल चुका है वह लोग 1 अगस्त को कॉलेज जा सकते हैं क्योंकि वह उनका फर्स्ट डे होगा। आप लोग जो भी कॉलेज जाना चाहते हैं वह 1 अगस्त से कॉलेज जाना स्टार्ट कर सकते हैं। एक और चीज है कि सेकंड राउंड काउंसलिंग का जो केस चल रहा है वह अभी तक चल रहा है, उसका रिजल्ट आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस चलेगा जो कि मंडे को उसका रिजल्ट आने वाला है, अगर उसके रिजल्ट में थोड़ा सा डिले हो जाए तो हो सकता है यह जो 1 अगस्त का जो डेट है वे भी चेंज हो जाए। अभी कोई जरूरी नहीं है कि आपको 1 अगस्त से जाना पड़ेगा, पर फिर भी आप चले जाना, इसमें आपका कोई घाटा नहीं है। बस आपको पता चल जाएगा कि वे कॉलेज कैसा है। तो यही था जो दो और चीज जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ, जो कि 1 अगस्त जो है आपका फर्स्ट डे होगा कॉलेज का और हो सकता है इसमें देरी हो क्योंकि काउंसलिंग का केस जो अभी चल रहा है, ये जो केस है काउंसलिंग का, हो सकता है इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है उसके डेट को आगे कर दे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही आप ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सके ताकि वे आपके साथ वह भी अपडेट हो जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।